साल 1946 की फिल्म धरती के लाल, साल 1951 की आवारा, साल 1955 की श्री 420, 1970 की मेरा नाम जोकर और 1991 की हिना जैसी फिल्मों की कहानी लिखने वाले मशहूर राइटर और फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में एक किस्सा लिखा है। वो लिखते हैं कि ये 60 का दशक था जब मैं एक लंबे से नौजवान से मिला। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। मैंने उससे कहा, बैठिए, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, अमिताभ। ख्वाजा अहमद अब्बास पूछते हैं, आप कितना पढ़े हैं? करीब 25-26 साल के उस नौजवान ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया है। अहमद अब्बास ने सवाल किया, आपने पहले कभी फिल्मों में काम किया है? अमिताभ बोले, अभी तक किसी ने मुझे फिल्म में काम नहीं दिया। अहमद अब्बास ने इसकी वजह पूछा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है अभी तक आपको किसी ने फिल्म में काम करने का मौका नहीं दिया। अमिताभ बोले, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं कि मैं उनकी फिल्मों की हीरोइंस के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा हूँ। तभी अहमद अब्बास हंसते हुए लहजे से बोले, खैर, हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म में कोई हीरोइन है ही नहीं। लेकिन ये बात कहते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर मेरी फिल्म में कोई हीरोइन होती भी, तब भी मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम ज़रूर देता। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अमिताभ बच्चन की प्रतिभा को देख लिया था। उन्होंने अपनी साल 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को अनवर अली नाम के कैरेक्टर का एक रोल दिया था और इस तरह से हिंदी सिनेमा में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का सफर शुरू होता है। वो जो 55 साल के करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, उम्र 82 की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो घर में बैठे नहीं हैं, कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की जिंदगी का हर पहलू दिलचस्प है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति सदी का महानायक नहीं बन जाता है। इसके पीछे सालों का संघर्ष है, कड़ी मेहनत है, जिंदगी के हर हालात का सामना करना है। एक्टिंग शुरू करने से राजनीतिक विफलता तक, ABCL के दिवालिया होने से लेकर कुली के हादसे तक, किसी की भी जिंदगी में इससे बेहतर क्या होगा कि वो लड़खड़ाए, गिरे, लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाए। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां कायस्थ फैमिली से संबंध रखने वाले प्रताप नारायण श्रीवास्तव अपनी पत्नी सरस्वती देवी के साथ रहते, इनके बेटे थे हरिवंश राय श्रीवास्तव, जो बच्चन उपनाम से कविताएं लिखते थे। बाद में वो इसी नाम से फेमस हुए। साल 1926 में 19 साल की उम्र में 14 साल की उम्र की श्यामा से शादी की, लेकिन 10 साल बाद ही श्यामा का साथ छूट गया। दरअसल साल 1936 में श्यामा का TB की बीमारी से निधन हो गया था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के बड़े कवि थे। उनका उठना बैठना साहित्य और रंगमंच से जुड़े लोगों के साथ रहता था। वक्त गुजरा और उनकी मुलाकात हुई तेजी सूरी से। पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाले पंजाबी खत्री फैमिली से ताल्लुक रखने वाली तेजी सूरी प्रोफेसर थी, सोशल वर्क भी करती, थिएटर और सिंगिंग में रुचि भी रखती। हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी ने शेक्सपियर के एक प्ले में साथ काम भी किया। दोनों में प्यार हुआ और ऐसे साल 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी की। ये वो वक्त था जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ था। हर तरफ इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। इसी माहौल में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर 11 अक्टूबर साल 1942 को बड़े बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा इंकलाब। कुछ वक्त के बाद ये नाम बदल दिया गया। दरअसल हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन दोनों अच्छे दोस्त थे। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इंकलाब का नाम बदलकर अमिताभ कर दिया और हरिवंश राय बच्चन ने अपना उपनाम बच्चन जोड़ा और ऐसे नाम पड़ा अमिताभ बच्चन। तेजी बच्चन जो थिएटर करती थी, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भी ऑफर मिले थे, पर घर के कामकाज की वजह से वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई। अमिताभ बच्चन के करियर के चुनाव में माँ तेजी बच्चन का योगदान था, क्योंकि वो हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करनी चाहिए, उसे ही अपना करियर बनाना चाहिए।
अमिताभ बच्चन ने जीवन में कई रिजेक्शन का सामना किया। उन्होंने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो के लिए ट्राई किया था, वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी आवाज़ AIR की नौकरी के लिए परफेक्ट नहीं लगी। जब वो मुंबई आए तो यहाँ रहने का ठिकाना भी नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे। बताया जाता है कि कई रातें मरीन ड्राइव के किनारे सड़कों पर गुजारी। फिर साल 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी मिली। इसके बाद रहने की व्यवस्था तो हो गई पर किस्मत बदलने में अभी वक्त था। अगले 2 सालों तक अमिताभ बच्चन ने परवाना, प्यार की कहानी, संजोग जैसी कुल 12 फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म कमाल नहीं कर पाई। फ्लॉप फिल्मों की ऐसी लाइन लगी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने से कतराने लगे। अमिताभ उन दिनों फिल्म लाइन में बुरे दौर से गुजर रहे थे। फिल्में मिलनी बंद हो गई, वो खुद को मनहूस मानने लगे। वो निराश थे, मेहनत और टैलेंट के बाद भी ना और दिख रहा था ना कोई छोर दिख रहा था। वो मुंबई से लगभग पैकअप करने वापस जा रहे थे कि तभी किस्मत बदली। ये वो वक्त था जब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साल 1973 की फिल्म जंजीर की कास्टिंग कर रहे थे। ऐसे में प्राण ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया, पर प्रकाश मेहरा ने इनकार भाव से सिर झटक दिया। फिर प्राण ने प्रकाश मेहरा से कहा, बेशक उसकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई हैं लेकिन उसके अंदर कुछ खास ज़रूर है। टैलेंट की कमी उसमें नहीं है, बस उसे ज़रूरत है तो एक सही फिल्म की। अमिताभ बच्चन जिसकी मार्केट वैल्यू ना के बराबर थी, किसी तरह से जंजीर रिलीज हुई। फिर जिसने भी ये फिल्म देखी वो अमिताभ बच्चन का दीवाना हो गया। लाजवाब एक्टिंग और जबरदस्त डायलॉग्स, अमिताभ बच्चन पर्दे पर ऐसे हीरो के रूप में सामने आए जो पब्लिक के गुस्से का इजहार करता हुआ दिख रहा था। देखते ही देखते एक नए सुपरस्टार का आगाज हो चुका था, वो थे अमिताभ बच्चन, और इसके बाद सब कुछ बदल गया। निजी जिंदगी में भी जया बच्चन पत्नी के रूप में शामिल हो चुकी थी। जया बच्चन जिन्होंने साल 1971 में गुड्डी से बॉलीवुड में कदम रखा, पहली फिल्म से फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी पाया। उनकी दमदार एक्टिंग के सभी दीवाने थे। एक तो अमिताभ की लंबी हाइट, ऊपर से स्ट्रगलिंग एक्टर का तमगा। ऐसे में उस दौर में कोई भी हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जया भादुड़ी ने हिम्मत दिखाई। साल 1972 में रिलीज हुई 2 फिल्में बंसी बिरजू और एक नज़र में साथ काम किया। एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने बताया भी था, अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए लोग उनसे तुम पागल हो जैसे सवाल पूछते थे। ये भी कहते थे कि अमिताभ कभी अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। सबके मना करने पर जया ने अमिताभ बच्चन के साथ 1973 की फिल्म जंजीर में काम किया। फिल्म सुपर हिट हुई। जंजीर ने बिग बी की दुनिया बदल दी। उनको एंग्री यंग मैन का खिताब मिला। जया और अमिताभ बच्चन की दोस्ती भी प्यार में बदल गई। 3 जून साल 1973 को दोनों ने शादी कर ली। गुजरते वक्त के साथ जिंदगी में बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन का भी जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन फिल्मों भी कर रहे थे, उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरा देश हिल गया। दरअसल साल 1982 की फिल्म कुली के एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट आई, वो कोमा में चले गए। देश के करोड़ों लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि इस घटना से ठीक होने के बाद उनको दूसरा जन्म मिला। साल 1984 जब अमिताभ बच्चन ने राजनीति में आने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उनके पैर नहीं जम पाए तो वापस फिल्मों की तरफ रुख किया। लेकिन अभी उनको फिर से एक बुरे दौर से गुजरना था। साल 1990 से लेकर साल 2000 तक इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म कमाल नहीं कर पाई। उन्होंने प्रोडक्शन के फील्ड में कदम रखा। साल 1996 में अपना वेंचर ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड खोला। प्रोडक्शन हाउस की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह कर्ज में डूब गए। उन पर 90 करोड़ का कर्ज था। देनदार दरवाजे पर खड़े होकर धमकी देते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि सबसे परेशान होकर मैं बैठा और सोचने लगा। मैंने अपने सामने सारे विकल्पों पर सोचा और अलग अलग परिस्थितियों का अनुमान लगाया। जवाब मिला, मुझे एक्टिंग करनी आती है। मैं उठा और यश चोपड़ा के घर पहुंचा। वो मेरे घर के पीछे ही रहते थे।
मैंने उनसे काम देने की दरख्वास्त की, फिर उन्होंने मुझे फिल्म मोहब्बतें दी। अमिताभ बच्चन जो आज इंडस्ट्री के शहंशाह हैं, वो अपनी जिंदगी में कई बार बुरे दौर से गुजरे। अगर आप भी जीवन की उठापटक से थक कर हार मान बैठे हैं तो एक बार बिग बी की जिंदगी के स्ट्रगल पर नजर डालें, हो सकता है आपको हिम्मत मिले। अमिताभ बच्चन जो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि आम इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत है, उम्र 82 साल की हो चुकी है लेकिन वो आज भी कई यंग एक्टर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, फिल्मों और एड्स के साथ रियलिटी शोज के को भी होस्ट कर रहे हैं। वो जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचना जरा भी आसान नहीं है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।